हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज़ ये है वेब डोमेन सीरीज़ का वीडियो नंबर 5, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस को आप कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, कैसे अपने वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। तो गाइज़ आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है कि वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप पीछे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो गाइज़ उसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को कस्टमाइज़ और बिल्ड करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं कंसल्टी आरके चैनल। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये सिंपल सी हमारी वेबसाइट दिख रही है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया ही था। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया था, उसके बाद हमारी सोवर ये वेबसाइट थी जिसमें हमने कुछ नहीं किया था। अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इस वेबसाइट को हम बिल्ड करेंगे, कैसे इसको एडिट करेंगे, कैसे कस्टमाइज करेंगे। एक प्रॉपर जो वेबसाइट दिखती है वो हमें कैसे बनाएंगे, वो सारा मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप में आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो मैंने आपको लास्ट में ही बताया था, हमें बार बार अपने सी पैनल में जाने की जरूरत नहीं है होस्टिंग के। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, wp-admin, wp मतलब वर्डप्रेस। तो गाइज, जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते समय डाला था, बस वो हम यहीं पर डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे फटाफट से। तो दोस्तों, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है वर्डप्रेस का, यहीं पर हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। तो गाइज, हमें जो सबसे पहले क्या करना है, हमें थीम चूज करनी है। जैसी हमारी वेबसाइट देखिए, इसके लिए हमें कहाँ जाएंगे, अपीयरेंस ऑप्शन में जाएंगे और थीम ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्री इंस्टॉल आपको थीमें दिख रही हैं, बट हमें इनमें से कोई नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, नई थीम के लिए हमें ऐड न्यू में ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी थीम्स दिख रही हैं, बट हम लोग कौन सी थीम लेंगे, एस्ट्रा। यहाँ पे आप एस्ट्रा टाइप करोगे। तो गाइज, ये जो थीम है ये बहुत ही पॉपुलर थीम है, इसमें बहुत सारे आपको व्यूज मिल जाएंगे कस्टमाइज करने के लिए। तो सिंपल अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी वेबसाइट आ गई, इस पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये इंस्टॉल हो गई, आप देख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो गाइज, ये थीम हमारी एक्टिवेट हो गई है। तो गाइज, अभी हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी थीम को कस्टमाइज और एडिट करने के लिए हमें प्रॉपर टेम्पलेट चाहिए होगा, जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लग इन ऑप्शन में जाएंगे और हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च करेंगे एस्ट्रा थीम का हमें प्लगइन लेना है। तो ये पहला प्लगइन आ गया, स्टार्टर टेम्पलेट। इसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली एडिट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ क्लिक करेंगे। तो ये इंस्टॉल हो गया, अभी सिंपली हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो गाइज, ये अभी एक्टिवेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये सी लाइब्रेरी ऑप्शन में जाएंगे इस टेम्पलेट्स के। यहाँ पे हमें प्रॉपर जो भी थीम्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखेंगी। तो गाइज, अभी यहाँ पे हमें थीम्स दिखने लगी हैं इंस्टॉल की, इतनी सारी थीम्स हैं। आप यहाँ पे वो थीम आप चूज कर लो जिस तरह की आपको वेबसाइट चाहिए, जैसी आपका वेबसाइट का लुक चाहिए, आप अपने अनुसार यहाँ पे वो थीम चूज कर लो। तो गाइज, मैं सिंपली ये थीम चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, माउंटेन। तो अभी आप ऑप्शन देख सकते हो, ये पेज टेम्पलेट आ रहे हैं, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, इस तरह के टेम्पलेट्स हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ से इम्पोर्ट कम्प्लीट साइट, हमें पूरी साइट को इम्पोर्ट करना है। तो इस पर क्लिक कर, ये ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, इंपोर्ट कस्टमाइज सेटिंग, इंपोर्ट विजिट्स, इंपोर्ट कंटेंट। तो ये हमें सारे पे टिक करके इंपोर्ट कर देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है बिटवीन 2 to 10 minutes। ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा, जैसी स्पीड होगी उसके हिसाब से ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज, अभी सारे ऑप्शन इंस्टॉल हो गए हैं प्रॉपर। आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट सक्सेसफुली ऑप्शन आ गया है। अब सिंपल हमें क्या करना है, व्यू साइट पे क्लिक करेंगे। तो गाइज, आप देख सकते हो ये अपना वेबसाइट का लुक आ गया है, पूरा चेंज हो गया हमारी वेबसाइट। पहले कैसी दिख रही थी, इस तरह की दिख रही थी, अभी आप देख सकते हो किस तरह की ये दिख। अभी इन सब चीज़ों को आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, जो आपको आपका कंटेंट चाहिए वो हम डालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, कहीं भी ऑप्शन देखेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चीज़ों को एडिट कर सकते हो। आया वाला, अगर आपको ये लोगो चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इसको अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हेडर ऑप्शन में जाना है, साइट आइडेंटिटी ऑप्शन पे जाओगे, ये आप लोगो, ये जो आपका लोगो दिख रहा है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फिर और सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी फाइल को चूज कर लोगे, लोगो जो आपको जहाँ पे रखा हुआ हो। तो मैं अपने लोगो को चूज कर लेता हूँ, आपका जो अपना लोगो हो वो चूज करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रॉप करने का, ये जो आपका जो साइज है उसके हिसाब से आपको लेना है। तो उसके बाद ये आ गया, अब यहाँ पे हम पब्लिश कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। गाइस, ये अभी सेव हो गया है। आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चेंजेस करोगे उसके बाद आप यहाँ पब्लिश पे क्लिक करोगे तभी ये अप्लाई होगा। अभी जैसे हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, ऐसी दिखने लगेगी। ये देखिए यहाँ पे लोगो चेंज हो गया। तो अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ कि कैसे आप चेंज करोगे, उसके लिए फिर हम अपने कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे।
ये देखिए दोस्तों आपका साइट आइकॉन दिख रहा है, यहाँ से आप अपना ये लोगो चेंज कर सकते हो, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे यही रखना है तो सेलेक्ट करेंगे तो आप इमेज पे क्लिक कर देंगे और पब्लिश कर देंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा लोगो चेंज हो गया। अभी इसको हम जाके यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये चेंज हो गया। ओके फिर से हम कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे। इस तरह आप देखोगे थोड़ा सा आपको सर्च करना होगा, आप अपनी साइट का टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपनी साइट का टैगलाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप फुटर में कुछ चेंज करना चाहते हो तो फुटर में आप आ जाइए, ये विजिट्स आपका दिख रहा है, ये नीचे का जो है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ये जो आपकी नीचे की चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं ये फुटर की, ये चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपने ये मीनूज का नाम चेंज करना है तो ये मीनू ऑप्शन में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपके सारे मीनूज दिख रहे हैं, यहाँ से आप ये पेजेस भी हैं आपके, यहाँ से कुछ चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। अगर कोई और मीनू ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। आपको थोड़ा सा अपने से ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम जैसे ही दोगे तो आपके लिए पूरा इजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, पूरा नाम के हिसाब से हर चीज़ें। और विजिट्स क्या होता है, मतलब जो हमें कोई आप देखते हो ये सोशल मीडिया आइकॉन्स दिखते हैं, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स दिखती हैं, आप कैलेंडर शो करना चाहते हो सर्च आइकॉन, तो इस तरह की जो थोड़ा सा जो अच्छी चीज़ें दिखती हैं हमें वो विजिट्स में आप जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप ये साइड बार है, ब्लॉग है, हेडर, फुटर, तो आपको पता ही फुटर की चीज़ें यहाँ से चेंज होगी, तो आप यहीं से आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो दोस्तों। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ, उसके लिए हमें क्या करना है, अपने डैशबोर्ड में फिर से जाना है। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड, अब यहाँ पे आप देखिए आपको पोस्ट दिख रही है, आपके पेजेस दिख रहे हैं, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखेंगे। अगर आप कोई और पेज ऐड करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, पेज ऑप्शन में जाएंगे, तो अभी देखिए आपके कौन कौन से पेजेस हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, प्राइवेसी, सैंपल और सर्विसेज पेज है। आप यहाँ से कोई नया पेज ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अपने पेज का कोई भी टाइटल दोगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे टेस्ट दे देते हो, टेस्ट हमने पेज का टाइटल दे दिया, उसको पब्लिश कर देंगे। व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टेस्ट करके एक और पेज आ गया यहाँ पे, ये ऐसा दिखने लगेगा। उसके बाद फिर बैक हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो गाइज अब आपको अगर कोई ब्लॉग लिखना है, कोई पोस्ट डालनी है अपने वेबसाइट पे, तो आप सिंपली यहाँ पोस्ट पे जाके यहाँ से आप पोस्ट लिख सकते हो। अभी एक आपकी पोस्ट है हेलो वर्ल्ड करके, आप यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट डाल सकते हो। तो गाइज बस इतना ही है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप पोस्ट कैसे डाल सकते हो और पेज कैसे बनाना है ये मैंने दिखा दिया, कैसे कस्टमाइज करना वो दिखा दिया। आप थोड़ा सा इसमें टाइम दोगे, कुछ चीज़ों को सर्च करोगे अपने हिसाब से गूगल पे, तो आपको सब इजी लगने लगेगा जैसे आप थोड़ा सा टाइम दोगे। तो गाइज बस इतना ही था इसमें, होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे वर्डप्रेस से रिलेटेड, कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और गाइज अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लाने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट सीरीज से रिलेटेड। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।